हंगामे दी ए वीडियो अमृतसर दे सिविल हस्पताल दी है, जिथे खुद नू पत्रकार दसन वाला व्यक्ति अपनी ही असिस्टेंट ते महिला पुलिस मुलाजम दे ढाही चढ़ गया। दोवां बीबियां ने मिलके उसकी लापा की। काफी देर तक दोहां धिरां च तू तू मैमे दा ड्रामा चलता रहा। इस दौरान कुछ लोगों ने वीडियो बना के वायरल कर दिती। लड़की का दोष है कि खुद नू पत्रकार दसन वाले इस व्यक्ति कोल ओ काम सीखण लई आई सी, पर इसने ना सिर्फ उसनू नशा करन लई कहा सगों शराबी व्यक्तियों कोल जाण लई दबा पाया। जब उसने मना किया तो उसने हाथ चुकन दी कोशिश की थी। काम करन लई गई सी, इन्हें तीन दिन गई थी। इन्हें दूसरे दिन आते इन्हें मैंने फालतू बोलिया, कहता हक करनी है। उस तो बाद इन्हें मैं मना करता, इन्हें मैंने नशे वास्ते भी कहा। तो सिविल हॉस्पिटल मैं अपने पापा की दवाई लैन आई। मेरा मेरा ब्रदर आया हुआ ही कजन, तो उन्हें आके भी मतलब कि उत्थे आके कहते तू काम तो नहीं आई। इन्हें मैं क्या मैं काम नहीं करना, इन्हू मैं इतने काम करन दे पहले इन्हू 3000 रुपया दिता। इस तो बाद इन्हें कहा तेरी ट्रेनिंग लगनी है, तेनू पेट्रोल वगैरह भी पवाना पेगा। मैं मेरे नाल जाता रहा, तो ये पेट्रोल भी पा दिता। सिविल से साड़ी हत्था पाई भी हुई, तो उत्थे आके इन्हें मैंने इन्नी धमकी भी दिती है कि तू इतने मेरे पंगा तो लै लिया, कल तू जो मिलेगी उदो दसागे। जे बाई चांस मेरे कल न कुछ होंदा तो वह सारा जिम्मेवार ऐ होएगा। तो कुटन की कोशिश की, तो इन्हें चपेड़ा मारन की कोशिश की। तो फिर उत्ते मैं अपने अपने आप में बचाने वास्ते इनू हाथ फड़िया, तो उधरों मेरे मैडम आई, उन्होंने मैंने बचाया। नरगिस मैडम लेडी पुलिस है, उन्होंने आके मैंने बचाया, नहीं तो इन्हें तो मैंने उत्ते कुट देना है सारे सामने। इस दौरान पहुंची महिला पुलिस कर्मचारी ने दसाया कि उसनू लड़की ने दसाया सी कि यह व्यक्ति उसनू काम सिखाने के नाते गलत राह पा रहा है। अज जदों उसने फिर कुड़ी नाल बदतमीजी की तो उसनू सबक सिखाना लाजमी हो गया। चलो मेरे गल करी जा रही थी, पिछे होंगे आके कहता भी तू इस टाइम तो कहते ना गल कर रही है, तू कि प्यो ना गल करती है। अगो कहती भी मेरी मम्मी ना गल हो रही है, उन्हें मैंने अपनी मम्मी बना लिया। अटे टाइम तो डरती डरती है, उन्हें नहीं दसा कि मैं कहते ना गल कर, कह रही कि मैं अपनी मम्मी ना गल करी, मैं अपने घरें ना गल करा। मैंने नाल ही कह के हाँ जी, तो अज ही उन्हें मैंने रात फिर मैंने कहती मम्मी मैं बाद चो गल करा, फोन कटता उन्हें बाद चो अपने घर चली गई। मैंने घर जाकर उन्हें फोन किया कि मैं घर आ गई। मैं क्या मैं सवेरे गल करूँ, सवेरे आके मैं मॉर्निंग टाइम चो कुड़ी ने बुलाया। कुड़ी ने सारा कुछ मेरे को रिकॉर्डिंग पाइया वा, जो मेरे ना रिकॉर्डिंग से गल हुई है ना फोन च, मेरे को रिकॉर्डिंग पाइया। कुड़ी ने सारे बयान दिए आ रिकॉर्डिंग कि बंद ने मैंने इदा इदा किया, जिदा मैं तुम्हें दस चुकी हूँ कि जफ्फी पा सिगरट पी शराबिया ने कोल खड़ा करता। वो कह रही कि मैं तो एक्शन लेना चाहनी हाँ, हूँ वो कुड़ी हूँ बंदे का तो कटापा चढ़ गया वा। अचानक नहीं आया, उस बंद बुला पैंता है क्योंकि दोनों ने मैंने नंबर दिए थे, दोनों ने मैंने इस तरह नंबर दिए थे कि मैंने नहीं सी पता ऐसे है गया। कोई कुड़ी ने नंबर दिता, उन्हें मैंने नंबर दिता, कहते ऑफिस वास्ते कोई काम हो तो दस्यो। ठीक है, वो मैं फोन किया, मैं बंदे बुला क्योंकि सज़ा देने का हकदार असी है क्योंकि लोगों दिन होर भी धियां भैन आई हैं। मैं सिविल हॉस्पिटल की जॉब करती हाँ, यह नहीं कि अच्छे ना गल किसी और भैन भी हो सकता। ठीक है, इस करके मैं ये चीज़ जरूरी समझी है कि उस बंद सज़ा देने का मैनू देनी चाहिए है सज़ा। जो भी मैं करा मैं सही करा, पता नहीं मैं गलत किया कि सही किया, पर मैं किया हाँ, पर मैं किया। इस सारे मामले च कितनी सच्चाई है यह तो पुलिस जांच तो बाद ही सामने आएगा। बहरहाल ये वीडियो सोशल मीडिया उत्ते तेजी नाल वायरल हो रही है और लोगों च चर्चा का विषय बनी हुई है। अमृतसर तो सुमित खन्ना, जगबाणी टीवी।